काफरों के बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते थे। वो बच्चा बीमार हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि जी वो बच्चा बीमार है, बुखार है उसको। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमा लिया कि मैं उसकी इयादत के लिए जाता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ एक छोटा सा बच्चा है वो भी काफिर का, और एक तरफ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बुलंद हस्ती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तवा फुर्सी के लिए तशरीफ ले गए। तो ना बच्चा तवक्को करता था, ना उसका बाप इस बात की तवक्को करता था। चुनाचे जब नबी शाम गए तो लड़का खुश तो बहुत हुआ कि आप मेरी आदत के लिए आए, उसको ग्रेट फील हुआ, अच्छा लगा। तो उसके बाप को भी अच्छा लगा कि वो एक आम सा आदमी था, उसकी इज्जत बन गई कि मुसलमानों के पैगंबर इस्लाम इसके बेटे की आदत के लिए इसके घर आए हैं। चुनाचे नबी इस्लाम ने उस बच्चे को पहले तो तवा पुरसी फरमाई, फिर उसको दीन की दावत दी और फरमाया कि ऐ बच्चे तुम इस्लाम को कबूल कर लो। जब नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया तो उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा कि अब्बू क्या कहते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब उसने अपने बाप की तरफ देखा तो यहूदी ने कहा कि बेटे अबुल कासिम तुम्हारी आदत के लिए आए हैं, अब जो वो तुम्हें कह रहे हैं तुम उनकी बात को मान लो। चुनाचे बच्चे ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। तो इन चार औकात में अगर बच्चे को नसीहत की जाए तो फिर बच्चा जल्दी बात को कबूल करता है। फिर चौथी बात कि जब बात करें तो बच्चे की जहनी सतह के मुताबिक बात करें। हम कई मरतबा दो लफ्ज़ों में बात कर देते हैं और बच्चे को पूरी तरह पता भी नहीं चलता कि मुझे ऑर्डर दिया क्या गया है। वो कन्फ्यूज होता है बेचारा, फैसला ही नहीं कर पाता कि मुझे ये करना है या वो करना है, और हम फिर गुस्सा करते हैं तूने बात नहीं मानी। भाई वो बात मानना चाहता था लेकिन इंस्ट्रक्शन भी तो क्लियर होनी चाहिए थी ना। बात वो करो जो बच्चे की जहनी सतह के मुताबिक हो। चुनाचे हदीस पाक से इसको सबूत मिलता है, नबी रसूल जो ग़ज़वे बदर के लिए तशरीफ़ ले गए तो दुश्मन सामने था। अब पता नहीं चलता था कि इनकी तादाद कितनी है, तो सहाबे कराम ने एक मकामी लड़के को पकड़ा और उससे पूछा कि बताओ तादाद कितनी है। वो कभी बताता 200 है, कभी बताता 400 है, कभी बताता 500 है, कोई एक बात ही कर रहा था। तो एक साहबी ने गुस्से में उसके दो चार थप्पड़ भी लगाए कि तुम झूठ बोलते हो, हमें सच नहीं बता रहे हैं। फिर उसको पकड़ के वो साहबी नबी साम के पास लाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुश्मन के लश्कर को देख के आया है, इसको पता सारा है लेकिन हमें ये झूठ बोल रहा है, सही बात बता नहीं रहा। तो नबी साम ने पूछा भाई कितनी तादाद है। वो कभी कहे जी 200 है, कभी कहे 400 है, कभी कहे 500 है, उसको पता नहीं चलता था। तो नबी अलैहिस्सलाम समझ गए कि छोटा बच्चा है, पूरे लश्कर की तादाद का अंदाज़ा लगाना इसके बस से बाहर की बात है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको प्यार से अपने पास बिठाया और कहा कि अच्छा ये बताओ कि जब वो अपने लश्कर के लिए खाना बनाते हैं तो कितने ऊँटों को ज़िबा करते हैं, कितने जानवरों को ज़िबा करते हैं। उसने कहा जी 9 या 10 जानवर ज़िबा करते हैं। जब उसने ये बताया ना, चूँकि जानवर तो थोड़े थे ना तो उनकी तादाद का अंदाज़ा तो आसानी से लग सकता है, जब उसने कहा जी कि 9 जानवर या 10 जानवर, तो नबी रिशाम ने फरमाया इससे पता चलता है कि एक जानवर को 100 बंदे आराम से खा लेते हैं तो दुश्मन की तादाद 900 से 1000 के दरमियान है। तो नबी रिशाम ने सही तादाद का अंदाज़ा फौरन लगा लिया, मगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जो बच्चे की जहनी सतह के मुताबिक था और बच्चे ने उसका जवाब ठीक दे दिया था। तो हम बच्चे से बात करें तो उसकी जहनी सतह के मुताबिक करें। नबी साहब ने फरमाया कल्लमुन्नास अला कद्रे उकूलहिम, तुम इंसानों से उनकी अकलों के मुताबिक बात करो। बच्चे की अकल ना पुख्ता होती है, छोटी होती है,
उससे इतनी साफ बात करो कि उसको बात समझ आ जाए। अपने से नहीं, सदा पे नहीं कि मैं एक लफ्ज़ से बात समझ गया हूँ तो बच्चा भी समझ जाएगा। तो बच्चे से उसकी जहनी सतह के मुताबिक बात करना, फिर बच्चे को वाकयात सुनाए जितना सुना सकते हैं। बच्चा फिक्रात से नहीं समझता, वाकयात से समझता है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हाफिज बने तो इतना कह देना कि हाफिज बनो, ये काफ़ी नहीं है। अब उठते बैठते बच्चे को हुफाज के वाकयात सुनाएं, कुर्राह के वाकयात सुनाएं, उनको क़यामत के दिन अल्लाह कैसी इज्जतें देगा ये सुनाएं। दुनिया में जो बड़े बड़े हजरात गुजरे, अल्लाह ने कुरान की वजह से उनको किन इज्जतों से नवाजा, वो वाकयात सुनाएं। तो बच्चे के अंदर शौक बढ़ेगा और वो बड़े अच्छे तरीके से हाफिज बनने की कोशिश करेगा। अब हम तो घर में नाम ही नहीं लेते कुरान का, और कहते हैं जी कि बच्चा जी बस शुरू किया था मगर अब उसका दिल नहीं लगता। भाई माँ बाप का दिल अपना नहीं लगता तो बच्चे का दिल कैसे लगेगा? बच्चे को वाकयात सुनाएं और तरगीब दें, फिर देखें बच्चा कैसे तैयार होता है। बात बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं अब ज़्यादा तफसील करने की बजाय बस पॉइंट पॉइंट बता के अपनी बात को समेटता हूँ कि चंद बातें बहुत अहम हैं। एक बात, अल्लाह की मोहब्बत बच्चे के दिल में पैदा करना, ये माँ का काम होता है। जो भी हो, जैसे भी हो, अल्लाह की मोहब्बत बच्चे के दिल में बढ़ाए। मसलन बच्चे को नया लिबास ला के दिया, देखो बेटा अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिबास भेजा है। अब बच्चे को जब पता चलेगा ना कि अल्लाह ने मुझे लिबास भेजा, अल्लाह ने मुझे खाना दिया, अल्लाह ने मेरे माँ बाप को ये दिया, अल्लाह ने मेरे माँ बाप को घर दिया, गाड़ी दी, फलां दी, तो बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत खुद बहुत बढ़ेगी। और फिर ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं उन पर सब्र की तलकीन सिखाएं कि बेटा अल्लाह ने मुकद्दर बनाया है, जो वो करता है उसी में खैर होती है, बस तुम तकदीर के ऊपर इतराज़ मत कब्र करो। अगर अल्लाह ने ऐसा किया है तो इसी में बेहतरी होगी। ये बच्चे के जहन में बैठ जाए ताकि वो रज़ा बिलकज़ा वाले मरतबे पर आ जाए। तो बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करना और बढ़ाना ये माँ का काम है। फिर बच्चे के दिल में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को पैदा करना, ये भी माँ का काम होता है। नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा इतने प्यार से करें, इतने अदब से करें, इतने अच्छे तरीके से करें कि बच्चा नबी अलैहिस्सलाम का आशिक सादिक बन जाए और उसका दिल चाहे कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो एक एक सुन्नत का एहतराम करने वाला बन जाए। जब सुन्नत की अजमत उसके दिल में आ गई तो आप समझ लें कि बच्चे ने ज़िंदगी के मकसद को पा लिया। तो अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करना, और फिर दूसरा नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को पैदा करना, फिर तीसरा कुरान मजीद की अजमत को पैदा करना कि ये अल्लाह की किताब है, ये मुकद्दस कलाम है। वो कुरान पाक का अदब करे, उसको बेवजू हाथ न लगाए और उसके ऊपर कोई चीज़ न रखे, और जहाँ कुरान मजीद पढ़ा हो वो एहसास करे कि ये अल्लाह का कलाम है। जब कुरान मजीद की मोहब्बत उसके दिल में आ गई तो अब कुरान मजीद की तालीमात को अपनाना उसके लिए फिर आसान हो जाएगा। फिर माँ बच्चे के अंदर मेहनत करने की आदत डाले, बच्चे को बताए कि देखो बेटा अपने मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तुम अपना होमवर्क मेहनत से करो, स्कूल का काम अच्छा करो, तुम मेहनत से अपने सबक को याद करो ताकि तुम्हारा सबक तुम्हें याद हो जाए या सबकी पारा बगैर गलती के तुम सुना सको। ये
जब वाक़यात माँ सुनाती है ना कि फ़लाँ ने मेहनत की तो ये हो गया, फ़लाँ ने मेहनत की तो ये हो गया, तो बच्चे के अंदर भी एक जज्बा पैदा हो जाता है कि मैं भी मेहनत करूँगा और मैं भी अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। ये मेहनत की आदत डालना बच्चे का, माँ का काम होता है। फिर बच्चे को सिखाएं कि अल्लाह की मखलूक के ऊपर हमें रहम खाना चाहिए, अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए प्यार होना चाहिए। नबी साहब ने फरमाया मल्ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को जो विलायत मिली तो एक बीमार कुत्ते की तीमारदारी करने पर उनको मिली। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जो निस्बत नक्शबंदियाँ मिली, किताबों में लिखा है कि एक बीमार कुत्ते की तीमारदारी करने पर निस्बत का नूर मिल गया। अगर एक कुत्ते पर तरस खाने से अल्लाह विलायत का नूर अता फरमा देते हैं, बनी इसराइल की एक बदकार औरत की ज़िंदगी के सब गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, हम अगर किसी कमज़ोर बंदे पर तरस खाएंगे, उसकी तीमारदारी करेंगे, तो अल्लाह हमें क्यों नहीं अजर अता फरमाएंगे। इसलिए एहसास करने वाला दिल बच्चे में पैदा करें। जो बेहिस किस्म के बच्चे होते हैं ना, वो अच्छे इंसान नहीं होते। चुनाचे एक सर्वे है कि दुनिया में 80% सिंपथी और एम्पथी जो है वो ख़त्म हो गई है, सिर्फ 20% रह गई है। एक ज़माना था जब 100% थी और आज सिर्फ 20% है। तो उस सर्वे रिपोर्ट के एंड पे लिखा हुआ था कि इसकी वजह कार्टून है। अब आप हैरान होंगे कि कार्टूनों का इससे क्या ताल्लुक है। उनका इसलिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब बच्चा देखता है ना कि एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा या मुक्का मारा, तो मारने वाले के खिलाफ दिल में नफरत आती है कि बुरा काम किया, और जिसको मारा जाता है उसके साथ दिल के अंदर मोहब्बत।